और कहा अगर दीपा परी झूठ बोले तो उसके ऊपर यह पानी की कुछ बूदें छिड़क देना और कहना आपने जो अभी कहा है वह सब सच हो उसके बाद उसके साथ वहीं सब कुछ होगा जिससे वो झूठ बोलना छोड़ देगी दीपक वह जल लेकर परी लोग गया वहाँ दीपा बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में लेटी हुई थी जब दीपक ने उससे उसके लेटे होने का कारण पूछा तो वह बोली मैंने कल रात बहुत डरावना सपना देखा था जिसमें एक प्रेत मेरे पीछे पड़ा था दीपक उसकी बात सुनकर बोला आप जो भी कह रही हो वह सच हो और उस बोतल का पानी छिड़क दिया उसी रात को उसको वही सपना आया जो उसने झूठे को सुनाया था दूसरे दिन उसके सर में दर्द होने लगा हुआ, उसकी माँ ने उसकी बात को झूठ ही माना दीपक जब आकर देखता है तो दीपा रो रही होती है तो वह उससे रोने का कारण वो जब पूछता है तब दीपा उसको बताती है कि मैंने बचपन से ही बहुत झूठ बोले हैं, मुझे अब कोई प्यार नहीं करता मेरा दिल दर्द कर रहा है तब दीपक उसको लेकर झरने पर जाता है और झरने का पानी उसको पिलाता है जिससे दीपा की झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है दीपा और दीपक अच्छे दोस्त बन जाते हैं कविता परी भी दीपा की झूठ बोलने की आदत खत्म होने से बहुत खुश हो जाती है और सभी दीपा से वापस प्यार करने लगते हैं प्यारे बच्चों वीडियो पसंद है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें